7:15 हो रहे हैं और आज हमारा 5वां दिन है मरतोली में। तो डे 5 में फाइनली माँ नंदा देवी और सुनंदा देवी के दर्शन हो गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए जो बड़ी वाली चोटी है वो माँ नंदा देवी है और जो छोटी वाली है वो सुनंदा देवी है। और यहाँ से आपको राइट लेफ्ट साइड में आपको नंदा देवी जी दिख रही है और राइट साइड में दिख रही है सुनंदा देवी जी। अब अगर आप चमोली से जाओगे तो चमोली से आपको राइट साइड में दिखेगी नंदा देवी और लेफ्ट साइड में दिखेगी सुनंदा देवी। ये देखिए, जय माँ नंदा देवी। मरतोली गाँव से निकल चुके हैं और आज मौसम भी बहुत साफ है और सारी ही पीक्स दिख रही हैं और माँ नंदा देवी और सुनंदा देवी के भी दर्शन हो ही गए आज मरतोली में। तो अब मरतोली से जा रहे हैं लसपा और उसके बाद उडियार में आज का स्टे होगा, फिर कल चलेंगे लीलम होते हुए पिछड़ी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है। देखिए आते समय भी बहुत सारी भीड़ें दिखी थी और जाते समय भी, ये देखिए कितना सुंदर नजारा है, कितनी सारी भीड़ है। अभी चलते चलते बस ये छोटा सा नहर दिखी है और ये सामने कुछ बंदेरा टाइप का है क्या बना हुआ है, ये देखिए, तो इसको अभी क्रॉस कर रहे हैं और ये रास्ता सीधा लसपा के लिए जा रहा है। ये देखिए एक और झरना दिखा है और ये सीधा ऊपर से आ रहा है और ये सीधा जा रहा है नीचे गोरेगंगा रिवर में। अभी जस्ट सामने मेरे है टोला गांव, जहाँ की ज़्यादातर लोग टोलिया रहते हैं। ये देखिए कितना प्यारा गांव है और ये ऊपर से देखिए पीक से झरना बह रहा है और गोरेगंगा में मिल रहा है और यहाँ पर आगे चलते हैं। ये सामने ऊपर मरतोली के लिए जा रहा है ऊपर रास्ता और नीचे जा रहा है सीधा बर्फों के लिए और वहाँ हमने जो बकरी वाले थे उनके साथ फोटो खींचा। तो यहाँ से सीधा इधर की साइड जा रहे हैं लसपा के लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी भाग भाग के आए हैं तो अभी बकरी वाले दिखे हैं, ग्लेशियर है ऊपर से, ये ग्लेशियर इससे पानी दिस रहा है नीचे जा रहा है पूरी गंगा में। और अभी वहाँ से आए थे और जस्ट यहाँ पे अभी लंच के लिए रुके हैं, ये देखिए। और अभी यहाँ पे लंच करा है कि डॉगी आराम फेरे हमारे। और नीचे इन्होंने यहाँ पे इनकी भी हट्स वगैरह हैं और वहाँ पे उन्होंने सोलर पैनल लगा रखा है चार्जिंग के लिए। पहुँच चुके हैं माँ बांग में, यहाँ लास्ट टाइम खाना खाया था, अब यहाँ से आगे चलते हैं। ओ भाई साहब इतना भारी उठा के ला रहे हैं भाई, ओ भाई देखिए पूरा ग्लेशियर, ये भी पूरा जमा पड़ा है ऊपर से लेके पूरा नीचे तक जमा पड़ा है देखिए ग्लेशियर। यहाँ से आए ऊपर से इतना टफ है, नीचे गिरे तो सीधा इधर और यहाँ सीधा और दीपक भाई आ रहे हैं देखिए। तो गाइस देखिए गोरीगंगा का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर फ्लो हो गया है, देखिए एकदम उफान मार रही है और खोलते हुए जा रही है एकदम चट्टानों को चीरते हुए, देखिए वाह क्या ही अद्भुत नज़ारा है। सीरियसली देखिए जब ट्रैक स्टार्ट करा था पानी इतना ज़्यादा नहीं था देखिए, और ये पूरा जमा पड़ा है ग्लेशियर पूरा और नीचे से गोरीगंगा बह रही है और फिर आगे जा रही है। दोस्तों ऊपर से झरना बह रहा है और ये नीचे जमा पड़ा है ग्लेशियर, ये देखिए और नीचे से इसके गोरीगंगा बह रही है, देखो पानी भी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो फाइनली गाइस एक और ग्लेशियर हमारे सामने है, देख सकते हैं पूरा फ्रोजन है ब्लैक आइस और ये 20 से 25 फुट तक ये जमा पड़ा है और अभी इसको हमें पार करना है। इट सीम्स वेरी इजी बट ये बहुत ज़्यादा हार्ड है लिटरली, मतलब रास्ता इतना स्लिपरी है इसमें। मैं अभी जब आया था इससे और अब बहुत ज़्यादा फर्क है, ये देखिए पूरा मट और पूरा ग्लेशियर से है ये जमा पड़ा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब हालत ख़राब हुई है। ये देखिए पाँव इसमें धंस रहे हैं और कभी भी ये मतलब मेल्ट हो सकता है और इंसान इसके अंदर धंस सकता है, सीरियसली कभी भी आप जाते हैं तो थोड़ा सेफली जाए। और ये देखिए पूरा देखिए जमा पड़ा है, सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल, ये देखिए। और इसी रास्ते से देखिए अभी जितने भी बकरी वाले हैं वो भी आए हैं, खच्चर वाले हैं वो भी आए हैं, तो बहुत ज़्यादा ये देखिए स्लिपरी हो गया और वहाँ पर देखिए मशीन इसको तोड़ने का काम भी कर रही है क्योंकि ये पूरी रोड थी और रोड पे पूरे जम गया है, फ्रोजन हो चुका है देखिए।
और ये नीचे पूरी बूढ़ी गंगा है उसी में जा रहा है फिर इसका पानी जो भी है ये देखिए। तो अभी इसको फटाफट इसको पार करते हैं और फिर आगे का बताते हैं कैसा है। अरे भाई साहब हालत ख़राब हो गई इसको पार करने में। फाइनली थोड़ा आराम है। ये रोबोटिक मशीन है चल रही है और पहाड़ की कटाई हो रही है पूरा। ये देखिए लैंडस्लाइड हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त। ये रिमोट से चल रही है ये। बहुत सारी बारिश हो रही है नीचे नदी भी ओवरफ्लो रास्ता खराब है। सब हम बैठ गए हैं ग्रीप की गाड़ी में। ये विक्की दाए मेरे साथ और बाकी सब नीचे बैठे हुए हैं। बाकी अशीत और वो आगे का नजर पानी बहुत ही जरूरी है। पार करना है ओवरफ्लो को। पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है देखिए अभी तो पार करते हैं। चलो पार कर रहे हैं इसको। थोड़ा डर भी लग रहा है इसको पार करने में क्योंकि पूरा लकड़ी का बना हुआ है ये पुल और कभी भी टूट सकता है ये पुल पूरा लकड़ी का बना हुआ है। भाई साहब अभी आ गए हम अपनी ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे वो है बुगडियार। ये रहा और नीचे ये पानी का ओवरफ्लो देखिए भाई साहब दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए ओ भाई तो बारिश से सारा किचकिच हो गया है। अच्छा हुआ बरसाती ला रखी थी हमने ठीक है। तो अभी नदी का पानी भी बढ़ गया है और ये देख सकते हैं बारिश हो रही है टप 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 टपक रही है और पूरे हर वैसे पहुँचने वाले हैं। पहुँच के सबसे पहले कपड़े वपड़े चेंज करेंगे क्योंकि रेनकोट में काफ़ी अनकम्फर्टेबल है चलना। ये देखिए पूरा बरसात के कारण दिख गया है किसी जोर का है सारा देखिए। ये देखिए टीम पहुंच चुकी है यहाँ पे बुगडियार में और आप देख सकते हैं वेदर कितना ख़राब हो रहा है। मतलब बारिश ही बारिश है चारों तरफ और इधर आईटीबीपी के हमारे जवान जो हमेशा हमारी सेवा के लिए तत्पर। ये देखिए और ये शंकरदा की शॉप